नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बोचहां विधानसभा उपचुनाव के मतदान को लेकर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोचहां विधानसभा उपचुनाव का मतदान जो है वो जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक कुल 47.4% मतदान हो चुके हैं। तो दोपहर 3 बजे तक की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बोचहां सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो बोचहां में शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, मतदान को लेकर प्रशासन भी सख्त दिखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोचहां में मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। 13 उम्मीदवारों के भाग्य का जो फैसला होगा आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो होगा आज कैद हो जाएगा, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से राजद, बीजेपी और वीआईपी के उम्मीदवार हैं, त्रिकोणीय श्रृंखला यहां पर बनती हुई दिख रही है। हालांकि जीत किसकी होगी ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया के बीच जो तस्वीरें देखने को मिली, इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और दोपहर 3 बजे तक 47.4% मतदान हुए। क्या कुछ स्थिति है इसे समझने के लिए एक बार चलते हैं सीधे मुजफ्फरपुर, जहां पर हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, किस तरीके की फिलहाल स्थिति बनी हुई है बोचहां विधानसभा सीट पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि बोचहां में 350 सीटों पर जो मतदान हो रहा है वो काफी शांतिपूर्ण हो रहा है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जगह जगह देखने को मिली है। खुद जो आला अधिकारी हैं वो बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं। तो मतदान मतलब जो मतदाता है वो तो शांतिपूर्ण और भयमुक्त ढंग से अपना मत का प्रयोग कर सके। वहीं अगर प्रतिशत की बात बताएं तो लगभग 3 बजे तक 48.6% मतदान हुआ है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी कुछ भी सराहनीय है। लेकिन देखा जाए तो किस तरीके की स्थितियां है रुपेश, अगर जो स्थिति हम कर रहे हैं कि क्या त्रिकोणीय श्रृंखला यहां पर बन सकती है, वैसे तो मतगणना के बाद ये तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति, आज लोगों का मूड किस तरीके से दिख रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं, वैसे तो 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई बोचहां में साफ देखने को मिल रही है, जहां आरजेडी, भाजपा और जो बीआईसी के उम्मीदवार हैं उन्हीं के बीच टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, बिल्कुल बोचहां में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं वो जो भी कैंडिडेट जीतेंगे उनकी, क्या आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से बीजेपी को पिछले दिनों खास करके अगर देखा जाए तो किसी खास जाति के द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिला, जब खुद प्रत्याशी बेबी देवी जो चुनावी मैदान में थी तब भी लोगों ने उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से बायकॉट किया और खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उनके सामने भी विरोध किया गया, उसका भी असर दिख सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पूर्व में बोचहां से विधायिका रह चुकी है, ऐसे में विकास के मुद्दों को लेकर जनता तो आवाज उठाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के कई दावा निपक्ष आ चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के उम्मीदवार उनको फायदा पिछड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें जाति समीकरण की, अगर जाति समीकरण बोचहां मिला तो इससे आरजेडी को भी फायदा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोचहां विधानसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला बनती हुई दिख रही है। खुद सहयोगी रुपेश ने बताया जिस तरीके से दोपहर 3 बजे तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 47.4% मतदान जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कई तस्वीरें देखने को मिली जहां पर कई बुजुर्गों ने, कई दिव्यांगों ने भी मतदान किया है।